पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर किए जा रहे आंदोलन के क्रम में अब कार्मिकों और शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हर विभाग के कार्मिकों और शिक्षकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सहमति पत्र मांगे गए थे। प्रदेश में यह अभियान 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया गया। इस अभियान में अब तक 100% ऑफलाइन और 96.3% ऑनलाइन सहमति प्राप्त हो चुकी है। यह जानकारी संयुक्त परिषद कार्यालय राजभवन के समक्ष जिला अध्यक्ष अमिता त्रिपाठी और जिला मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी ने संयुक्त लेकर हड़ताल पर सहमति के लिए आपने एक मतदान कराया था। कितने विभाग इस सहमति के जो चुनाव थे उसमें शामिल थे और क्या परिणाम आए उसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें हमारे परिषद से जितने भी लगभग 160 विभाग हैं वो इसमें शामिल हैं। बाकी ये हमारा केवल परिषद का वो था, लेकिन हमारे ये जो NGCA का कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, इसमें हमारे केंद्रीय संगठन भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, तो ये सभी को मिलाकर ये पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा। रेलवे भी इसमें शामिल है, रेलवे के जो कन्वीनर हैं वही इसके मुख्य कन्वीनर भी हैं, उन्हीं के अध्यक्षता में आयकर है, पोस्टल है, डाकतार, सभी सारे विभाग इसमें शामिल हैं और सभी के यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हमने भी अपने परिषद से जो संबद्ध संगठन है उनमें चलाया और लगभग 100% ऑफलाइन ये हम लोग को पत्र मिले हैं जो इसके लिए सहमत हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, और लगभग 96.3% हैं जो ऑफलाइन हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पुरानी पेंशन बहाली को लेके कई समय इसके बहुत समय से आप लोगों की तरफ से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और तब भी अभी तक कोई सरकार की तरफ से कुछ अभी निर्णय नहीं लिया गया, तो किस तरीके की हड़ताल होगी, क्या होगा, पूरा हड़ताल का पूरा उसके बारे में बताइए मुझे। देखिए, जैसे कार्यक्रम तो बहुत सारे हुए। 2013 में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने ही अपना अकेले दम पर एक कार्यक्रम किया था, लखनऊ से दिल्ली तक साइकिल रैली निकाली थी और जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना दिया था। लेकिन फिर ये हुआ कि इस पुरानी पेंशन की समस्या से तो जो केंद्रीय संगठन है वो भी ग्रसित है, सारे कर्मचारी जितने भी सरकारी एम्प्लॉई हैं वो इससे वो हैं, तो एक NGCA के नाम से एक संगठन बनाया गया जो 21 जनवरी 2023 की जिसकी नई दिल्ली में बैठक हुई थी, जो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हर महीने की 21 तारीख को हम जनपद स्तर पर कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे। इसी के तहत 21 मार्च को यहाँ जनपद मतलब पूरे देश के हर जिले में कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद फिर 21 मार्च से 21 मई तक जनसंपर्क किया गया और फिर 16 मई को एक पेंशन रथ यात्रा निकाली गई थी जो कि पूरे प्रदेश में उसने भ्रमण किया था। 14 जून को यह हुआ था। 27 जून को यहाँ चारवा के रेलवे स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था। 27 जून को चारवा के रेलवे स्टेडियम के साथ साथ हर प्रदेश के राजधानी स्तर पर यह कार्यक्रम हुआ था। 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि रामलीला मैदान को हम लोगों ने किया, हम लोगों ने भरा। इसके बाद रामलीला मैदान को पुरानी पेंशन की समस्या को लेकर कई बार भरा गया, तो इससे ये पता चलता है कि एक ही बार नहीं, जब बार बार वो चीज़ें उभर के आ रही हैं तो मामला गंभीर है। कहीं ना कहीं कर्मचारी अंदर से आक्रोशित है और सरकार को इसलिए इस पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना आपने जुडिशरी को आप दे रहे हैं पेंशन, चलिए ठीक है उनको दे रहे हैं, कोई बात है, इनको भत्ते मिल रहे, लेकिन नेता वो तो समाज सेवक है ना, उनको पुरानी पेंशन और भत्तों से क्या मतलब। हम कर्मचारी पूरी उम्र नौकरी करते, जब बुढ़ापे में हम किसी कार्य करने के लायक नहीं रह जाते तो आप क्या देते, हम पेंशन नहीं देंगे। और आप हमें न्यू पेंशन स्कीम के तहत 14% जो दे रहे हैं, हम नहीं कहते आप हमें हर महीने दीजिए, आप हर महीने ना देखिए, हम जब रिटायर होते हैं आप वो परसेंट हमारा जमा करिए और आपको शेयर में लगाना, आप कहीं भी ले, लेकिन हमको रिटायरमेंट के टाइम एक मुश्त रकम चाहिए। हम बहुत ज़्यादा नहीं मांगते, हम बहुत कम नहीं मांगते, हमारा मतलब जो हमारा लास्ट वेतन है उसका आधा हमें हमारी पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। विधायक, नेता और सांसद रिटायर होते हैं या बनते हैं, एक बार दो बार तो उनको पेंशन, उनको तो कई बार पेंशन मिलती है जी। ये तो हम तो कह रहे हैं उनको पेंशन मिलनी ही नहीं चाहिए। वो उसमें थोड़ा सा ये कहना है कि जैसा हमारी जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि वो जनसेवा के लिए आते हैं, तो आप जनसेवा करने आए हैं तो आपको पेंशन क्यों चाहिए। फिर अगर वो दो बार विधायक बनते हैं, दो तीन बार MP बनते हैं, एक बार राज्यसभा का मेंबर बनते हैं, एक बार MLC बनते हैं, अगर 7 बार वो बने तो वो 7 पेंशन लेते हैं। कर्मचारियों के लिए जो है कोई पेंशन नहीं है, और पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है। पेंशन हमारी राजा महाराजा के समय से, अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, क्योंकि हम अपने जीवन काल का स्वर्णिम समय आप सरकार की सेवा में देते हैं। और एक बात उठती है कि राज्य कर्मचारी कोई कार्य नहीं करते हैं, आखिर जितनी भी गवर्नमेंट
रिटायरमेंट की योजना धरातल में है वो राज्य कर्मचारी द्वारा ही तो उनको अमल में लाया जाता है। तो जैसा हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमको कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरे प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सुलग रहा है और जितने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जिन सरकार जिन पार्टियों ने पुरानी पेंशन का वादा किया वहाँ पर सरकार वापस आई। जैसे आपका हिमाचल है, हिमाचल में कांग्रेस ने वादा किया था और कांग्रेस जीती, उसने पुरानी पेंशन को बहाल किया। सरकार तो कह रही है हम एनपीएस दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन लोग समझना नहीं चाह रहे एनपीएस है। मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एनपीएस जो है एनपीएस को खुद ले ले। नहीं, और एनपीएस के तहत ही जो लोग रिटायर हुए हैं उनको 200-250 रुपए 250 रुपए पेंशन मिल रही है। भाई आजकल की महंगाई के समय में 200-250 रुपए क्या होते हैं? अगर हम डॉक्टर को दिखाने जाते तो 500-600 रुपए डॉक्टर की फीस होती है। नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी, वृद्धावस्था पेंशन आप देते 1000 रुपया, हमारा कर्मचारी उसने 10 साल सेवा किया उसको मिलता 800 रुपए। 800 रुपए में आजकल होता क्या कोई बता दे। और जब कुछ लोग बात ये उठाते हैं कि जब 2003 में लागू हुई थी तो बड़ा बड़ा सजबाग दिखाया गया था। अच्छा, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा प्रदेश नेतृत्व है, उसने कहा कि सरकार के साथ हम बैठे हैं, हमको बुलाएं बैठे हैं, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर हर्षो तिवारी जी ने बकायदा डाटा बना के दिया है कि सरकार के ऊपर पुरानी पेंशन बहाल करने में कोई भी बोझ नहीं है। जो आप 14% हमको दे रहे हैं वो मत दीजिए ना, हम कहाँ आपसे कहते हैं, और आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आगामी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, शिक्षक और कर्मचारी चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, वो आपको आईना दिखाएगा और आपको हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी होता, देखिए कोविड के टाइम में कर्मचारियों के 6 भत्ते खत्म कर दिए गए, हम लोग इतनी मेहनत से इतनी लड़ाई करके सरकार से वो करके हम लोग इन भत्तों को प्राप्त करते हैं और एक झटके में सरकार उन्हें ख़त्म कर देती। हमारा 18 महीने का डीए फ्रीज कर दिया, बाद में उन्होंने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा 18 महीने रुका हुआ था उसका तो उन्हें देना चाहिए था। तो हम लोग हर जगह हम लोगों का सरकार नाजायज रूप से शोषण करती है। हम लोग छोटी छोटी लड़ाइयों को छोड़कर एक बड़ी लड़ाई जो पुरानी पेंशन की है अभी उसी पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम लोगों ने ये सहमति पत्र तो भरवाए हैं कि हमारे सारे कर्मचारी 100% तैयार हैं कि जो भी लड़ाई पेंशन के लिए लड़ी जाएगी उसमें वो तैयार होंगे। और हो सकता हमारा अगर प्रांतीय प्रतिनिधित्व हड़ताल की तैयारी करता तो हम सभी लोग हड़ताल पे भी जाएंगे, देशव्यापी हड़ताल होगी। डॉक्टर, इनकम टैक्स, हमारे शिक्षक, राज्य कर्मचारी, चूंकि ये सहमति पत्र है, कल हमारे प्रदेश स्तर की वार्ता है, उसके बाद हमारी दिल्ली में बैठक होगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है दिल्ली में बैठेगा, वो तय करेगा, वो आकलन करेगा, उसके बाद हम सरकार को नोटिस देंगे, वो जो डेट दी जाएगी जनवरी या फरवरी में जो भी होगा वो देशव्यापी हड़ताल होगी और इसमें रेलवे भी होगा, रोडवेज भी होगा, आपका आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके विद्युत, अगर वो हमारी बात को नहीं मानते तो आवश्यक सेवाओं को भी हम रोकने का प्रयास करेंगे। देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।